हेलो फ्रेंड्स, यदि आपका दूरबीन से ऑपरेशन हुआ है और अब आपको ये सोचना पड़ रहा है कि आपको बच्चे प्लान करने हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन है कि कब बच्चे प्लान करें, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको यही बताने जा रही हूँ कि यदि दूरबीन से ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद अब आपको फैमिली स्टार्ट करनी है, प्लान करनी है, तो आपको कितने दिन का ब्रेक लेना चाहिए या कितने दिन बाद आप फैमिली प्लान कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका ऑपरेशन कौन से प्रकार का हुआ है, आपका ऑपरेशन किस लिए किया गया है, क्योंकि दूरबीन से जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, जिसमें कि जनरली जो सबसे पहले जांच होती है, कॉमनेस्ट जो ऑपरेशन होता है वो होता है दूरबीन की जाँच। यानी कि यदि आपके बच्चे नहीं लग रहे हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या है और आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो जनरली डॉक्टर आपको एक DHL CPT वाला टेस्ट एडवाइस करते हैं। DHL CPT का मतलब होता है कि डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी और क्रोमोपर्ट्यूबेशन टेस्ट, यानी कि बच्चेदानी की अंदर से दूरबीन से जांच, पेट के दूरबीन से जांच और दोनों तरफ की नलियों की रंगीन पानी डालकर जो जांच की जाती है, जिसमें कि ये चेक किया जाता है कि दोनों तरफ की नलियां खुली है या बंद है। तो इस प्रकार की यदि जांच की गई है और ये दूरबीन के ऑपरेशन किया गया है, तो नेक्स्ट मंथ यानी कि जैसे ही आपका अगला महीना आता है उसके तुरंत बाद आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं। और यही बेस्ट समय होता है जब हम लोग ये ऑपरेशन करके देते हैं, यानी कि आपका जब दूरबीन से जांच की जाती है तो अंदर से बाहर से सब तरीके से जांच हो जाती है और ट्यूब्स के अंदर किसी प्रकार का म्यूकस, कचरा या कोई भी रेजिडुअल मटेरियल होता है वो पानी डालने से, प्रेशर डालने से साफ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड आप बिल्कुल खराब नहीं कीजिए और अगले 3 से 6 महीने के अंदर जनरली प्रेगनेंसी हो जाती है। दूसरे प्रकार का जो ऑपरेशन होता है जो बच्चेदानी के अंदर गांठ के लिए किया जाता है, जिसको कि लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी के नाम से जाना जाता है, ये भी काफी कॉमन ऑपरेशन है जब प्रेगनेंसी के लिए आप लोग ट्राई कर रहे होते हैं, जब आपकी प्रेगनेंसी या तो नहीं हो रही होती है या प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चे खराब हो रहे होते हैं, क्योंकि गांठ के इफेक्ट के कारण बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता है और बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहले गांठ को निकाला जाता है और फिर प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए बोला जाता है। अब यदि मायोमेक्टमी ऑपरेशन हुआ तो उसमें बच्चेदानी के ऊपर एक कट लग के गांठ को बाहर निकाला जाता है, फिर उसको रिपेयर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चेदानी के ऊपर टांके लगे हैं उस घाव को भरने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, इसलिए उसमें हम लोग 2 महीने के गैप के लिए बोलते हैं और 3rd महीने में जाकर आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। और प्रेगनेंसी होने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती है, आप आराम से प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं और इस ऑपरेशन के बाद आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकती हैं। तीसरे प्रकार का ऑपरेशन होता है एंडोमेट्रियोसिस का ऑपरेशन, यानी कि यदि आपके पेट के अंदर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, आपको बहुत महीना भारी आ रहा था और आपको पेन के कारण और क्लॉट्स जमा हो जाने के कारण प्रेगनेंसी होने में भी तकलीफ आ रही थी, तो उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। यानी कि आपके एंडोमेट्रियोसिस के जितने भी प्लाक्स हैं, जो भी खून के कतले जमा हो गए, उन सबको साफ करके अंदर का एनवायरमेंट हेल्दी किया जाता है, जिससे कि आप आराम से नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव कर पाए। और ऐसे ऑपरेशन के बाद हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप नेक्स्ट मंथ में ही प्रेगनेंसी ट्राई कर लीजिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के ऑपरेशन के बाद जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आते हैं अगले 3 से 6 महीने के अंदर ही आते हैं। यदि आप ज्यादा लेट करते हैं तो बीमारी दोबारा से बन जाती है और ऑपरेशन का इफेक्ट चला जाता है और फिर प्रेगनेंसी होने में तकलीफ आती है, फिर जनरली आपको IVF ही कराना पड़ता है। तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस के ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी डिले ना कीजिए और तुरंत प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए। अगले प्रकार का जो ऑपरेशन होता है वो होता है ओवेरियन सिस्टेक्टमी, यानी कि अंडेदानी के अंदर कोई गांठ के लिए ऑपरेशन हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अगले महीने ही आराम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं। यानी कि यदि बच्चेदानी के ऊपर किसी प्रकार का कट लगाकर ऑपरेशन किया गया है तो उसी में हम 2 से 3 महीने का गैप देने की बोलते हैं, बाकी इसके अलावा किसी भी प्रकार का और कोई ऑपरेशन होता है जिसको कि फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी बोला जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें कोई गैप नहीं दिया जाता और अगले ही महीने आप लोग आराम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आपको ये पता है कि आपका कौन सा ऑपरेशन हुआ है तो आप आराम से डिसाइड कर सकती हैं कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करनी है और उसमें वेट करने की जरूरत है या नहीं है। यदि आपको लगता है कि अभी भी आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आपकी सर्जरी का नाम लिख के हमें भेज सकती हैं, वहां पे हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको कितने महीने या कितने दिन का गैप देना है, आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यदि आपको फिर भी लगता है कि नहीं, आपके क्वेरी का सलूशन नहीं हुआ, तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके बात कर सकती हैं, वहां
हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट आपको सही सलाह जरूर देंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यदि नहीं मिला तो आप सारी इन्फॉर्मेशन से वंचित रह जाएंगे, जिससे कि आपको आगे चलकर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यदि अभी तक आपने Facebook चैनल और Insta पे भी हमें नोटिफाई नहीं किया है या हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस है आपको। वहां पे भी हमें आप फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि यदि आप YouTube पे नहीं आए तो हो सकता है कि आपको Facebook और Insta के थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।